यदि आप डेली कबड्डी के अपडेट्स आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। पटना पायरेट्स के पूर्व रेडर मोनू गोयट ने प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा भुगतान किए जाना वाला एथलीट बनकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा स्टीलर्स ने मोनू गोयट पर 1.51 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरियाणा स्टीलर्स का मोनू पर 1.51 करोड़ की बोली लगाने से पहले दबंग दिल्ली ने उन पर 1.50 करोड़ की बोली लगाई थी। मोनू ने कुल 39 मैचों में 250 रेडर पॉइंट्स बनाए हैं। अब गोयट की चर्चा हरियाणा के पूरे हिसार जिले में हो रही है। उनके पिता के पास 8 एकड़ जमीन है। किसान का यह बेटा कबड्डी से करोड़पति बन गया है और इसका श्रेय जाता है उनके चाचा विजेंद्र सिंह को, जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही मोनू को इस खेल के दांव पेच सिखाने शुरू कर दिए थे। घुटने की चोट के कारण विजेंद्र तो 1990 के बीजिंग खेलों में नहीं जा सके थे, लेकिन उन्होंने अपना सपना मोनू को कबड्डी का जोशीला राइडर बनाकर पूरा किया। गोयत भिवानी जिले के कुंगार गाँव में पले बढ़े, जहाँ से राष्ट्रीय स्तर के कोच और खिलाड़ी निकलते हैं। विजेंद्र बताते हैं कि वह बहुत चुस्त था, यही कारण है कि मैंने उसे कबड्डी खेलने के लिए कहा। 2 साल के अंदर ही वह बहुत अच्छा राइडर बन गया। मोनू भी विजेंद्र को अपना पहला गुरुवार मानते हैं। कबड्डी में हमलावर प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और कई विपक्षी खिलाड़ियों को छूकर अंक स्कोर करते हैं। एक अच्छे राइडर में गति, शक्ति और बेहतरीन मूवमेंट होने चाहिए। मोनू कहते हैं कि आधुनिक कबड्डी ताकत से अधिक दिमाग का खेल है। वह कहते हैं कि उनके जैसे खिलाड़ियों के छोटे सपने थे। हम एक नौकरी के लिए खेलते थे, ज्यादा पैसा की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उस वक्त कोई लीग तो था नहीं। गोयार्ड कहते हैं कि हम खुद को इस खेल में बनाए रख सकते थे, लेकिन अक्सर पैसों की कमी महसूस होती थी। गांवों में होने वाले टूर्नामेंट जीतने पर भले ही पुरस्कार राशि आमतौर पर 31,000 रुपए से भी कम होती थी, फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ गया। बेटा उसी बटालियन में शामिल हुआ जिसमें रहकर शहीद हुए थे पिता। साल 2010 में खेल कोटे से सेना में चुने जाने वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने गोड़े गांव, इंदौर और मदुरै जैसे शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए विभिन्न पुरस्कार जीते। उन्हें जीत में 2 बाइक बजाज प्लेटिना और 1 TVS सुजुकी मिली। व्यावसायिक कारणों से वे खेल के पहले 3 संस्करणों में नहीं शामिल हो सके, मगर उन्हें चौथे संस्करण में बंगाल वॉरियर्स ने 18 लाख रुपए में और पांचवें संस्करण में पटना पायरेट्स ने 44.5 लाख रुपए की बोली में खरीदा। इस पैसे से 2 साल पहले उन्होंने हसी में 2 मंजिला मकान बनवाया जहां उनका परिवार अब रहता है। जनवरी में खरीदा गई एक हुंडई क्रेटा घर में खड़ी है। हालांकि इस बार की बोली में मिले 1.51 करोड़ रुपए के बारे में उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है कि इसका क्या करना है। वह संकोच के साथ कहते हैं कि इसमें से कुछ पैसे मेरे बड़े भाई की शादी पर खर्च किए जा सकते हैं। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना।